हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अदर वीडियो। तो आप में से मैक्सिमम लोगों को ये बात अभी पता चल ही गया होगा जो कुछ भी अभी चल रहा है फ्री फायर कम्युनिटी में, अंकुश वर्सेस अल्फा, और ये कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुआ था, कैसे ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ा, वो सब कुछ मैं अपने पहले और वीडियो में बता चुका हूँ। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके पहले वो वीडियो देख लेना, आपको फिर बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता चल जाएगा कि कैसे स्टार्ट हुआ था ये कंट्रोवर्सी। ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने के बाद अंकुश फ्री फायर को बहुत ही ज़्यादा हेट मिल रहा है। वो क्यों? क्योंकि अल्फ़ा ने ये बताया है कि वो एक भी वीडियो अपलोड नहीं करता था और जो भी गेम प्ले वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा का था। तो ऐसे में अंकुश बिना कुछ भी किए उसका नाम हो रहा था, ऐसा कहना है अल्फ़ा का, क्योंकि गेम प्ले वीडियो जो भी था, जो भी वीडियो एडिटिंग, यूट्यूब का हर एक चीज़, वीडियो एडिटिंग से लेकर गेम प्ले से लेकर हर एक चीज़ अल्फ़ा करता था, अंकुश कुछ भी नहीं करता था यूट्यूब में। इसी की वजह से अंकुश फ्री फायर को बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था। लेकिन आपको कभी भी कॉन्ट्रोवर्सी जब भी होता है तो आपको किसी वन साइड का पॉइंट नहीं देखना, आपको दोनों साइड का पॉइंट देखना है, कंपेयर करना है, उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे आना है। फैम क्लेशर्स के साथ एक छोटे से इंटरव्यू में अंकुश ने ये बताया, बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे बताए हैं जो आपको जानने चाहिए, तो वही मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी आपका रियलिटी है अंकुश के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट किए अब हम डायरेक्ट मेन पॉइंट्स पर आते हैं। तो पहला पॉइंट ये था कि अंकुश ने अल्फा को क्रेडिट क्यों नहीं दिया। तो पहली बात तो ये कि यूट्यूब का जो भी आईडी पासवर्ड एक्सेस था वो अल्फ़ा के पास ही था, वीडियो में अपलोडिंग से लेकर एडिटिंग से लेकर गेम प्ले हर एक चीज़ अल्फ़ा कहता था। तो अगर अल्फ़ा को क्रेडिट चाहिए रहता तो वो खुद ही अपने आप को क्रेडिट दे देता, लेकिन उसने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। तो इसमें अंकुश की कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि चैनल का जब आईडी पासवर्ड आपके पास है, आप ही वीडियो अपलोड करते हो, आप ही का गेम प्ले वीडियो रहता है, तो आप जब चाहे अपने आप को क्रेडिट दे सकते हो, लेकिन अल्फा ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब अंकुश ने अपना क्यू एन ए वीडियो अपलोड किया था, जो कि अभी करेंटली प्राइवेट है, क्योंकि अल्फा ने वो वीडियो अभी करेंटली प्राइवेट करके रखा है, तो जब अंकुश ने ये अपना क्यू एन ए वीडियो अपलोड किया था तब उसमें अल्फा को क्यों इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। इस टॉपिक को अभी बात करते हुए अंकुश ने ये बोला कि जब वो अपना क्यू एन ए वीडियो अपलोड करने वाले थे तब उन्होंने अल्फा को बोला था कि भाई आप वॉइस ओवर कर लो, क्योंकि वॉइस ओवर करने में मेरे को थोड़ा डिफिकल्टी फेस होता है, थोड़ा प्रॉब्लम फेस होता है। तो अल्फा ने भी सेम बोला कि भाई मेरे को अभी वॉइस ओवर नहीं करना, मैं भी वॉइस ओवर का इतना एक्सपीरियंस नहीं मेरे को, मैं भी वॉइस ओवर नहीं कर सकता। तो इस वजह से अल्फा इंट्रोड्यूस नहीं हो पाए क्यू एन ए वीडियो में। अल्फा ने अपने इस वीडियो में ये कहा था कि दो दिन पहले अंकुश ने उनसे यूट्यूब का आईडी पासवर्ड मांगा और कहा कि हम देख लेंगे बाद में, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अंकुश का ये कहना था कि आज से करीबन 1-1.5 महीने पहले ही यूट्यूब का आईडी पासवर्ड चेंज कर लिया गया था अल्फ़ा के द्वारा, लेकिन अंकुश उस टाइम ये कॉन्ट्रोवर्सी करना नहीं चाहते थे, कुछ भी बताना नहीं चाहते थे किसी को भी, इसलिए उन्होंने ये चीज़ लीक नहीं किया था। अंकुश का तो ये कहना था कि चैनल का आईडी पासवर्ड 6 मार्च को ही चेंज कर लिया गया था और उसके बाद उनको फिर पासवर्ड बताया ही नहीं अल्फ़ा ने। अब काफ़ी लोगों का ये बोलना है कि भाई चैनल जो ग्रो हुआ है वो अल्फ़ा की वजह से हुआ है। क्यों? क्योंकि गेम प्ले वीडियो तो अल्फ़ा का ही था, वीडियो एडिटिंग तो अल्फ़ा ने ही किया, तो इस वजह से चैनल जो ग्रो हुआ, जो इतना बूस्ट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा की वजह से हुआ। इस पॉइंट पर अंकुश का ये कहना था कि देखो हमारे फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनका गेम प्ले बहुत ही अच्छा है, ऐसे कई छोटे बड़े यूट्यूबर्स हैं जिनका गेम प्ले बहुत ही अच्छा है, लेकिन उनका चैनल इतना ज़्यादा ग्रो नहीं हुआ है। तो इनका चैनल का ग्रो होने का रीज़न था कि अंकुश ग्लोबल टॉप 1 गया था, और यही मेन रीज़न है इनके चैनल का बूस्ट होने का, क्योंकि आपके चैनल को बूस्ट होने के लिए एक नाम की ज़रूरत होती है, एक फेम की ज़रूरत होती है, जो अंकुश के ग्लोबल टॉप 1 जाने के वजह से ही इतना ग्रो मिला उनके चैनल को। क्योंकि अंकुश अगर ग्लोबल टॉप 1 गया ही नहीं होता तो उसकी गेम प्ले वीडियो देखने के लिए आता ही कौन। एग्जाम्पल के लिए आप एसके सबीर बॉस को ले लो, क्योंकि एसके सबीर बॉस का गेम प्ले उतना कुछ खास नहीं है, हम सबको पता है, लेकिन उनका चैनल को ग्रो मिला, इतना उनके वीडियो को देखते हैं बंदे, इसलिए देखते हैं क्योंकि वो ग्लोबल टॉप 1 गए थे, और बहुत ही पहले सीज़न की बात है जब वो ग्लोबल टॉप 1 जाते थे और रैंक पुश किया करते थे। अंकुश ने एक चीज़ और की साफ साफ क्लियर कर दिया कि जो भी वीडियो होता था, गेम प्ले वीडियो होता था उनके चैनल पर, वो सिर्फ और सिर्फ अल्फ़ा का था, और वीडियो एडिटिंग से लिखा एक चीज़ यूट्यूब वीडियो का काम जो भी था वो अल्फ़ा ही करता था। अंकुश सिर्फ और सिर्फ रैंक पुशिंग में बिजी रहते थे, और आप लोग ही सोचो जो बंदा ग्लोबल टॉप 1 के लिए रैंक पुशिंग कर रहा है उसके पास इतना टाइम कहाँ से होगा कि वो एक वीडियो अपलोड कर सके, मतलब वीडियो एडिटिंग करने में इतना टाइम लगता है,
और कहाँ से वो कर पाते, क्योंकि वो ग्लोबल पुश करने के लिए बिजी रहते थे। अब ये दोनों के बीच कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने का मेन रीज़न क्या है? तो मेन रीज़न ये है कि जब आप दो बंदे मिलकर एक यूट्यूब चैनल पे वर्क कर रहे हो, जब आप एक दूसरे के साथ मिलकर यूट्यूब चैनल को ग्रो करने का सोच रहे हो, नया कंटेंट ढूंढ रहे हो, नया गेम प्ले वीडियो अपलोड कर रहे हो, लेकिन आप दोनों के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है तो आपके बीच फ्यूचर में कंट्रोवर्सी होगी ही होगी। अंकुश का ये कहना था कि अंकुश ने कुछ दिन पहले ही अपना पीसी बिल्ड कराया था और अल्फा को कहीं ना कहीं अंदर से ये डाउट था कि नया पीसी सेटअप बिल्ड करने के बाद अंकुश शायद अपने YouTube का पासवर्ड चेंज कर देगा, लेकिन ये अंकुश का ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना था। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अल्फा ने ही YouTube का पासवर्ड चेंज करके खुद एक्सेस जो भी था YouTube का वो अपने पास रख लिया। जिन लोगों को अब भी ये बात नहीं पता, ये कंट्रोवर्सी का मैं नहीं पता, तो मैं आपको फिर से सजेस्ट करता हूँ, जो मैंने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट में भी मैं पिन कर दूंगा, तो वीडियो आप पहले वो वीडियो देख लो, उसके बाद ही आपको ये सब कुछ चीज़ समझ में आने वाला है। तो जितने भी लोग पहली बार मैं वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हो, तो आप सभी से मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी के बीच में आगे और भी जो भी कुछ मेरे को अपडेट मिलेगा वो मैं आपको अपलोड करके बता दूंगा, वीडियो में सब कुछ टोटली एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जो है सेट कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग आई यूज़ गेमिंग।